शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सबको भी मेरा सुमन अंटिका प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज आप सबके साथ मैं दो सत्संग शेयर करूंगी, और एक सत्संग तो है हरिद्वार से और एक है जिराकपुर से। तो आंटी जी ने एक सत्संग लिख के भेजा है, तो मैं सबको जैसे कहती हूँ कि प्लीज़ आप ऑडियो की रिकॉर्डिंग करके भेजिए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। लेकिन उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करा कि भाई आप ही पढ़ लीजिए। अब देखो, धर्म संकट सा हो गया है कि चलो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं पढ़ लेती हूँ, तो सत्संग आंटी का शेयर हो जाएगा। और सबका सत्संग शेयर होना चाहिए, मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं सबके ही सत्संग शेयर करूँ। तो गुरुजी का जैसा आदेश, तो गुरुजी जो सत्संग शेयर कराना चाहते हैं वो करा ही लेते हैं। और एक क्वेश्चन भी है आज, नई संगत काफ़ी कन्फ्यूज़ रहती है, तो उनका भी मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जवाब देना चाहती हूँ। कि क्वेश्चन उनका ये है कि बड़े मंदिर जाके लोटे को हम कैसे ब्लेस करवा सकते हैं, है ना। तो कई लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि लोटा कैसे ब्लेस करवाना है। तो देखिए संगत जी, मैं अपने सुझाव से आपको एक एडवाइस करना चाहती हूँ कि गुरुजी हर जगह है, है ना। और अगर आप अभी तक बड़े मंदिर नहीं जा पाए हैं तो इसमें कोई भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में जो भी आपके पास गुरुजी का स्वरूप है, अपना एक तांबे का लोटा लीजिए और गुरुजी के आगे स्वरूप से टच करके जल भर के रख दीजिए। रात भर वो जल वहीं पे रखा रहने दीजिए, और सुबह को आप उसको खुद को पीने में, अपने परिवार के लोगों को पीने में और नहाने में भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। तो गुरुजी की ब्लेसिंग आपको ऐसे ही प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा, यदि आपको मौका मिलता है कि आप बड़े मंदिर जा रहे हैं, तो बड़े मंदिर जाने में आपको सबसे बढ़िया बात ये रहेगी कि आप अपने साथ लोटा लेके जाएं, बिल्कुल फ्रेश लेके जाएं, पुराना मत लेके जाएं, नया लोटा खरीदें छोटा सा और उसको ही लेके जाएं। और वहाँ पे आप बड़े मंदिर में जाके, जब वहाँ पे गुरु जी के मेन स्वरूप के आगे जब आप खड़े होते हैं, जहाँ पे गुरु जी साक्षात विराजमान हैं वहाँ पे, और वहाँ पे थोड़ी देर अपने लोटे को आप लेके खड़े हो जाइए और आप अपने लिए आप खुद ही अरदास कर लीजिए, है ना, कि गुरु जी कृपा करो। और वो आपको वहाँ से ब्लेसिंग गुरु जी की प्राप्त हो जाएगी और आप उसे घर ले आइए। और जब आप उसे घर लेके आएंगे तो आपका गुरु जी का लोटा ब्लेस होके आएगा। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि उसमें कोई भी डिटर्जेंट पाउडर, विम जेल, इस तरह से कोई भी चीज़ आपको यूज़ नहीं करनी है। उसको साफ़ करना है तो केवल नींबू से ही करना है। तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता रहता है संगत जी का कि लोटा कैसे ब्लेस कराना है। तो ये मैंने आज आपको इस तरह से बता दिया, क्योंकि मुझे तो जितनी जानकारी है मैंने आपके साथ शेयर की। और बाकी आप सत्संग सुनते रहिए, सत्संग सुनने से बहुत सारी नई नई जानकारियाँ हमें प्राप्त होती हैं और प्रश्नों के जवाब भी हमें मिलते रहते हैं, क्योंकि गुरु जी का अपना एक तरीका है सत्संग को शेयर करा करा के लोगों के प्रश्नों के उत्तर देना। कितनी चीज़ें मैं भी सत्संग सुनती रहती हूँ तो मुझे भी नई नई पता चलती रहती हैं। और आप भी जरूर सत्संग सुना कीजिए, सत्संग सुनने से हमारे ज्ञान का विस्तार होता है ना। हर एक की अपने अपने अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, तो वो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर होते हैं। मैं जल्दी ही दिव्य आभा दोबारा से पढ़ूंगी, आप सुनेगा वहाँ पे बहुत सारी संगत के, आपको उसमें भी अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। सत्संग बहुत सारे हैं संगत जी के। तो अभी तो हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये सत्संग, और जो भेजा है हरिद्वार से। और निवेदन कर लेती हूँ मैं आपसे, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण के चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर एक बार गुरु जी का शुक्राना जरूर लिख दीजिएगा, जय गुरु जी लिख दीजिएगा, है ना। गुरु जी को शुक्राना बहुत पसंद है, जितना ज़्यादा आप शुक्राना करेंगे उतना ही कम है। तो शुरू करते हैं आज का ये छोटा सा सत्संग। मैं रीड कर रही हूँ, गुरु जी से माफ़ी भी मांग लेती हूँ कि गुरु जी कुछ गलती हो जाए तो माफ़ करना, ठीक है। और गुरु पात्र बहुत दयालु हैं, बहुत प्यारे हैं,
और मुझे तो गुरुजी ने खूब 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 ब्लेस किया है, शुक्राना है गुरुजी का। जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। तो शुरू करते हैं सत्संग। और ये सत्संग हरिद्वार से नहीं, ये सहारनपुर से है। पहले इसमें हरिद्वार आ रहा था, अब सत्संग को मैं एक बार ऑलरेडी रीड कर चुकी हूँ ताकि मुझे डिस्टर्ब ना हो। तो ट्राई करते हैं, देखिए ये इनका सत्संग है। और देखिए हैंडराइटिंग में जब हम लिखते हैं ना तो हर एक की हैंडराइटिंग अलग होती है। अपनी तो मेरे को तो अपनी भी जल्दी से समझ नहीं आती, जो सही बात है ना, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं कैसे लिखा है इन्होंने। पढ़ने में मेरे को बहुत दिक्कत आती है थोड़ा सा ना। संगत जी लिखते हैं, सहारनपुर से हैं ये। जय गुरु जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं यह अपना सत्संग गुरु जी की आज्ञा से लिख रही हूँ। गुरु जी, सत्संग लिखते समय मेरे से अगर कोई गलती हो जाए तो गुरु जी वह संगत, गुरु जी वह संगत जो मुझे, गुरु जी अहम होगा ये शायद है ना, वह संगत जी मुझे माफ़ करना। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। गुरु जी सदा सहाय। माफ़ी संगत जी, मैं अपना नाम नहीं बता रही हूँ, मैं सहारनपुर से हूँ। यह मेरा पहला सत्संग है। गुरु जी से मेरी जर्नी 2023 में मार्च अप्रैल में अपनी बहन के जरिए हुई है। उसने मुझे बताया कि ऐसे एक गुरु जी हैं जिनको मानने से सारी परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। मैं उस समय बहुत परेशान थी क्योंकि मेरे छोटे बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी। मेरी बहन ने कहा तू गुरुजी से इसके लिए अरदास लगा, वो इसको ठीक कर देंगे। मेरी बहन का बहुत शुक्राना जिसने हमें गुरुजी के बारे में बताया। उसके बाद मैं गुरुजी के बड़े मंदिर के बारे में पता करके फिर मंदिर कहाँ है पता किया, मतलब फिर हमें पता चला कि गुरुजी का बड़ा मंदिर दिल्ली में छतरपुर में है। फिर मैं अपने अंकल जी एम अपने दोनों बच्चों को, वह मेरी बहन, वह मेरी बहन मतलब ये सब लोग 5 जून 2023 में पहली बार बड़े मंदिर गए। वहां जाकर मेरे मन को बहुत सुकून मिला। वहां हमें चाय प्रसाद एवं ब्रेड पकौड़ा वह लड्डू प्रसाद व जल प्रसाद मिला। वहाँ से हमें पहली बार में गुरुजी का पीले चोले वाला स्वरूप मिला। गुरुजी का लाख लाख बार शुक्राना जो गुरुजी गुरुजी ने मुझसे हाथ पकड़ा। संगत जी, मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया इसीलिए मैं यहीं विराम देना चाहूँगी। अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। गुरुजी आप भी मुझे माफ़ करना। तो संगत जी, ये सहारनपुर से अंशी ने भेजा है सत्संग, और मैं अभी आपके साथ सत्संग शेयर कर रही थी। एक सत्संग दिल्ली से आया है आंटी का, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले मैं दूसरा सत्संग शेयर करती हूँ जो कि आया है जिराकपुर से ऑडियो। आप ऑडियो रिकॉर्डिंग सबसे बेस्ट रहती है क्योंकि उसमें आपके इमोशंस खुद गुरु जी के चरणों में पहुँचते हैं, है ना। सबसे बढ़िया रहता है कि आप अपनी बात को गुरु जी के साथ जब शेयर कर रहे हैं गुरु जी का सत्संग, तो संगत के साथ भी शेयर कर रहे हैं और गुरु जी के चरणों में हम समर्पित कर रहे हैं, तो हमारी आवाज़ हमारे भाव वो गुरु जी के चरणों में पहुँचे, है ना। तो शुरू करते हैं जिराकपुर से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, जिनके सामने बैठकर जो है मैं अपना जो है शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मैं अपने शुक्राने सत्संग जो है गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। संग जी, ये शुक्राने सत्संग के अंदर जो है मैं अपने छोटे छोटे चार शुक्राने सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। वैसे भी आपको आज पता ही होगा कि जैसे आज जो है मंडे है और आज चतुर्थी भी है, तो इसलिए मैं अपने जो है वो चार शुक्राने सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग जो है पिछले लास्ट थर्सडे का जो है बताना चाहूँगी कि लास्ट थर्सडे को क्या होता है। मॉर्निंग के अंदर गुरु जी की, गुरु महाराज जी की पूजा करने के बाद क्या होता है कि मैं अपने किचन में जाती हूँ और मैं क्या देखती हूँ कि मेरा सिलेंडर ख़त्म हो जाता है। संगत जी, आप विश्वास करो, मेरे को जो है पहले बहुत हैरानी होती है कि भाई सिलेंडर एकदम ख़त्म कैसे हो गया, क्योंकि ना इधर से मेरी बेटी उठ जाती है और उसको ना उठते ही उसको ये होता है कि मैंने जो है मुझे ब्रेकफास्ट देना होता है उसको उठते ही। तो संगत जी, मैं एक मिनट के लिए तो परेशान होती हूँ, लेकिन मैं इतना पैनिक नहीं होती जितने कभी पहले हो जाती थी। पहले अगर ऐसी सिचुएशन मुझे फेस करनी पड़ती थी तो आई यूज़ टू गेट पैनिक, ठीक है, बहुत मतलब गुस्सा भी आ जाता था कि एकदम सिलेंडर ख़त्म हो गया, इधर से ब्रेकफास्ट बनाना, इधर से बच्चे बोल रहे हैं ब्रेकफास्ट बनाओ। तो इस बार ऐसे नहीं हुआ संगत जी, विश्वास करो, क्योंकि मेरे अंदर जो है गुरु जी ने सोझी डाली हुई है कि बेटा हर सिचुएशन को आपने बड़ा जो है पेशेंटली जो है उसको जो है वो हैंडल करना होता है। तो उस दिन भी ऐसे ही हुआ, मैंने गुरु महाराज जी की डायरेक्शन को फॉलो किया और मैंने सिचुएशन को बहुत जो है वो पेशेंटली हैंडल किया और जो है दूसरा सिलेंडर बड़े आराम से लगाया बिना किसी क्योस के। कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं किया, कोई क्योस क्रिएट नहीं किया, कोई मैं पैनिक नहीं हुई, ठीक है, और ना ही मेरे बच्चे परेशान हुए। बड़ा स्मूथली जो है मैंने सिचुएशन को जो है वो हैंडल कर लिया और मैंने सिलेंडर जो है वो लगा लिया, जबकि सिलेंडर इतना इजीली लग भी नहीं रहा था, उसके अंदर नॉजल में फिट ही नहीं हो रहा था संगत जी। पर फिर भी मैंने गुरु जी को याद करके अगेन एंड अगेन मतलब कोशिश पूरी की उसको लगाने की अच्छे से और उसके अंदर फिट हो गया एंड आई केम आउट ऑफ दिस सिचुएशन सक्सेसफुली। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, जिनकी अपार ब्लेसिंग्स हमारे साथ जो है वो रहती हैं। संगत जी, मैं आपको अपना दूसरा शुक्राना सत्संग जो है वो अगले दिन का शेयर करने जा रही हूँ। अगले दिन जो था वो फ्राइडे था, गुरु जी का शुक्राना डे। तो उस दिन मेरी बेटी ने जो है वो मौलाना जाना होता है, तो मैं उसको नीचे जो है वो ड्रॉप करने के लिए जाती हूँ। ऑटो में उसको जाना होता है पहले बस स्टैंड पर, फिर वहाँ से फिर वो आगे अपने मौलाना के लिए बस पकड़ती है। तो जब मैं उसको ड्रॉप करके वापस आ रही होती हूँ मार्केट एरिया से, तो मैं क्या देखती हूँ कि मेरे सिर के ऊपर से जो है एक बहुत बड़ी ब्लैक एंड वाइट, बहुत ही सुंदर, संगत जी बहुत ही ब्यूटीफुल, जो मैंने कभी आज तक नहीं देखी ऐसी बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई जो है मेरे सिर के ऊपर से और मेरे आसपास से वो जो है वो मेरे साथ साथ चलती है, और बाहर जब तक मैं बाहर नहीं आ जाती मेरे साथ साथ चलती है। और जब मैं बाहर आती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि मुझे एक गाड़ी नज़र आती है जिसके ऊपर शुक्राना, जिसके ऊपर ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा होता है। तो फिर अगेन मैं तो ये क्या कहूँगी कि गुरुजी ने जो अपने साक्षात अपने दर्शन दिए बटरफ्लाई के रूप में, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, और मेरे दिन को जो है बहुत एक ब्लेस्ड डे जो है वो बना दिया। फ्राइडे बिकेम माई ब्लेस्ड डे, गुरु महाराज जी ने अपने दर्शन दिए बटरफ्लाई के रूप में। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। हम गुरु महाराज जी की जो है देनी नहीं दे सकते संगत जी। गुरु महाराज जी ने अगर मेरी बाह नहीं पकड़ी होती संगत जी, मैं तो आपको विश्वास दिलाकर कह सकती हूँ कि मेरी तो लाइफ किसी और ही तरीके की होती, मतलब माई लाइफ वुड हैव मूव्ड इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। लाइफ की डायरेक्शन ही कोई और होती संगत जी। गुरु महाराज जी ने जब से अब मेरी बाह पकड़ी है तब से मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आ रखे हैं, ना केवल मेरी लाइफ में, मतलब अंकल जी को भी ब्लेस किया है गुरु महाराज जी ने, दोनों बेटियों को भी ब्लेस किया है संगत जी। पहले तो मिनट मिनट में लड़ने झगड़ने लग जाती थी, बहुत गुस्सा हो जाती थी, बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलती थी, मेरी वीकनेस थी संगत जी। तो अब जब से गुरु महाराज जी ने मेरी बाह पकड़ी है तब से मुझे जोर की बोलना अच्छा लगता,
क्योंकि संगत जी विश्वास करो, गुरु महाराज जी मेरे घर में, अपने घर में मैं तो कहूँगी, मेरा कौन सा घर है, अपने घर में साक्षात जो है वो प्रेजेंट है। कई बार तो संगत जी मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। जब से मेरा गुरु महाराज जी के साथ बहुत क्लोज कनेक्शन बना है तो आई कैन फील गुरु महाराज जी प्रेजेंस इन माई होम। आई एम वेरी स्ट्रांगली कनेक्टेड टू माई गुरु महाराज जी। आई एम ब्लेस्ड टू हैव गुरु महाराज जी इन माई होम। संगत जी मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग जो है वो कल से रिलेटेड है। संगत जी जब से मेरी बेटी के, छोटी बेटी के बोर्ड एग्जाम्स हुए हैं तब से मैं ना कभी मार्केट नहीं जा पाई, क्योंकि एक दिन या उससे अगले दिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ जब मुझे मेरी तबीयत ख़राब ना हो। कभी बॉडी एक हो जाता है या कभी फीवरिश हो जाता है, कुछ ऐसी सी मतलब रहता है, मतलब पेन्स रहती हैं बॉडी में, तो मतलब मुझे मन से इच्छा नहीं होती कोई कहीं पर जाने की ना, मार्केट में कुछ ख़रीदारी करने की संगत जी। लेकिन परसों से ही जो है गुरु महाराज जी मेरे दिमाग में डाल रहे थे। एक सत्संग में भी आ रखा था कि गुरु महाराज जी के यूटेंसिल्स जो है वो जब हम जिसमें हम भोग देते हैं गुरु महाराज जी को अलग होने चाहिए, तो मेरी तो गलती चल ही रही थी, तो मैं तो उन्हीं बर्तन में जो है वो भोग दे देती थी जिनमें हम खाना खाते हैं। केयरलेसनेस थी मेरे पार्ट पर संगत जी। तो फिर मेरे दिमाग में गुरु जी ने सोच ही डाली कि भाई गुरु महाराज जी मुझे खुद ही स्ट्रेंथ देंगे मार्केट जाने के लिए। तो कल मॉर्निंग में जो है गुरु महाराज जी ने मेरा माइंड बनाया और कल शाम को मैं अपनी बेटी के साथ मार्केट गई। संगत जी गुरु महाराज जी मेरे साथ गए और मार्केट में भी गुरु महाराज जी की जो है 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मेरे साथ जो हो गई। जब हम वहाँ पर बिलिंग करने लगे तो गुरु महाराज जी की 7 नंबर की ब्लेसिंग से जो है वो हमारा बिल पे हुआ। सो देखो गुरु महाराज जी कैसे अपने बच्चों की छोटी छोटी मन की बात को जो है वो पूरी करते हैं और हमारे अंग संग रहते हैं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। लव यू गुरु जी, सोने गुरु जी, प्यारे गुरु जी। संगत जी चौथा जो है मेरा शुक्राना सत्संग जो है वो आज मंडे से रिलेटेड है। आज मंडे है, सोमवार का दिन है, गुरु जी का डे है और साथ के साथ चतुर्थी भी है बेटे की, गणेश जी की चतुर्थी जैसे कहते हैं। तो आज संगत जी जब मॉर्निंग में मैंने गुरु महाराज जी को प्रसाद का भोग लगाया, मतलब हलवे प्रसाद का भोग लगाया, तो गुरु महाराज जी ने मुझे अपनी हलवे प्रसाद के अंदर गणेश जी के साक्षात दर्शन दिए। अगेन ब्लेस्ड टू हैव गुरु जीज दर्शन, गुरु महाराज जी दर्शन इन दैट प्रसाद अमृत, जिसे कहते हैं प्रसाद अमृत। संगत जी तो मैं तो आपको लास्ट में यही एडवाइस करूँगी कि आप गुरु महाराज जी का जो है शुक्राना सत्संग जो है वो साथ के साथ शेयर करा करो, डिले नहीं किया करो, क्योंकि कुछ पॉइंट जो है वो डिलीट हो जाते हैं और हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने एक्सपीरियंस को अच्छे से। तो साथ के साथ शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहिए। संगत जी गुरु महाराज जी को प्यार करो, गुरु महाराज जी के साथ अपना अच्छा बॉन्ड बनाओ। जिस डायरेक्शन में हमें चलाते हैं हमें उसी डायरेक्शन में चलना चाहिए, कोई इफ एंड बर्ड्स में नहीं रहना चाहिए। अगर गुरु महाराज जी कहते हैं कि हमें अपना गुरु महाराज जी के सत्संग सुनो तो हमें उनके सत्संग भी केयरफुली सुनने चाहिए, क्योंकि उसमें हमारे लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। कई बार मेरे से ये केयरलेसनेस हो जाती है मेरे पार्ट पे, मैं उनके सत्संग जो है वो ध्यान से सुन नहीं पाती बिकॉज ऑफ माई इल हेल्थ यू कैन से। ऐसा कुछ नहीं है मेरे दिमाग में कि मैंने सत्संग नहीं सुनने बिकॉज ऑफ माई इल हेल्थ, बट स्टिल आई विल एडवाइस यू कि आप अपने सत्संग जो है वो ध्यान से सुना करो, उसमें कोई ना कोई पॉइंट्स जो है वो हमसे रिलेटेड ही होते हैं। और अपना शुक्राना सत्संग जो है गुरु महाराज जी का टाइम पर शेयर किया करो। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, जिन्होंने मुझे इतनी हिम्मत दी है कि मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है आज शेयर कर पा रही हूँ। मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पर विराम करना चाहूँगी। संगत जी अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना, फिर मैं अपना जय शुक्राना सत्संग जय गुरु जी के मंत्र जाप से एंड करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरु जी सदा सहाय, लव यू गुरु जी, सोने गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, हमारे प्यारे गुरु जी, लव यू मेरे गुरु महाराज जी, थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन गुरु नानक, धन गुरु महाराज जी, धन गुरु महाराज जी। जय गुरु जी। आंटी जी, आपका सत्संग बहुत अच्छा था। गुरु जी ने एक थॉट डाला है दिमाग में कि मैं इस चीज़ को थोड़ा सा करेक्शन कर दूं। जैसा कि अभी आंटी जी ने बोला कि बेटे का भी दिन है चतुर्थी का, तो चतुर्थी और चतुर्दशी में अंतर होता है। चतुर्थी मतलब 4, चतुर्दशी मतलब 1/4, 14, है ना। तो कल जो है चतुर्दशी थी, माता की भी थी, क्योंकि इस दिन भी लोग कन्या जिमाते हैं। जिन लोगों का छूट जाता है कन्या पूजन, तो वो उस दिन भी जिमा लेते हैं, ठीक है। और चतुर्थी जो होती है गणेश जी की, वो चौथा दिन होता है ना, जिस दिन कहते हैं चांद देखना भी सही नहीं होता, क्योंकि चांद थोड़ा सा ही निकलता है उस दिन। अब जैसे आज पूर्णमासी है, तो अब पूर्णमासी के बाद क्या शुरू होएगा, अंधेर, यानी कि कृष्ण पक्ष शुरू होएगा। तो उसके बाद जो फोर्थ पड़ता है वो भी चतुर्थी है, गणेश जी की होती है। चतुर्थी 2 बार आती है, चतुर्दशी भी 2 बार आती है। तो अमावस्या से पहले वाली जो चतुर्थी पड़ती, चतुर्दशी पड़ेगी, वो शुक्ल पक्ष की पड़ेगी। मतलब कि पूर्णमासी से पहले जो पड़ रही है वो शुक्ल पक्ष की पड़ रही है, और मतलब अब कृष्ण पक्ष शुरू हो जाएगा। पूर्णमासी के बाद कृष्ण पक्ष शुरू होता है, अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष शुरू होता है। तो ये बातें हमें थोड़ी थोड़ी ध्यान रखने की हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और चतुर्थी मतलब 4, मतलब अमावस्या के बाद भी जो फोर्थ में पड़ेगा, चतुर्थी कैलेंडर में भी सब कुछ स्पष्ट लिखा होता है, और पूर्णमासी के बाद भी जो पड़ेगी 4, मतलब वो चतुर्थी 15 दिन के बाद, 15 दिन का साइकिल होता है। हिंदी तिथि के अनुसार कभी कभी एक दिन कम ज़्यादा भी हो सकता है, 14 के बाद 15, मतलब पूर्णमासी या अमावस्या, ठीक है। अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष और पूर्णमासी के बाद कृष्ण पक्ष। तो नेक्स्ट सत्संग जो ये है, इसमें ये मैं लेती हूँ, शुरू कर देते हैं। ये दिल्ली से है, ठीक है। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम नितिका है और मैं दिल्ली से हूँ, और मैं गुरु जी का ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत कृपा करते हैं गुरु जी। गुरु जी अपनी प्रेजेंस हमेशा दिखाते हैं, इसलिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जहाँ भी जाते हैं गुरु जी हमारे साथ रहते हैं, और गुरु जी जब मैं मंत्र जाप करती हूँ उनके स्वरूप के आगे, तो भी गुरु जी अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। स्वरूप में गुरु जी का चेहरा थोड़ा सा चेंज हो गया था, गुरु जी का चेहरे का शेप थोड़ा चेंज हुआ था जब मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर रही थी, तो गुरु जी ने अपनी प्रेजेंस दिखाई। कभी गुरु जी हंसने लग जाते हैं अपने स्वरूप में, थोड़ी सी उनकी स्माइल लंबी हो जाती है, गुरु जी अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं उसमें भी, और गुरु जी की आईज से लाइट निकलती है, वो भी मैंने देखा है। गुरु जी बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं, बहुत कृपा करते हैं, उनके स्वरूप में वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। स्वरूप में गुरु जी खुद ही होते हैं, स्वरूप में भी, और गुरु जी कह भी रहे हैं कि मेरा स्वरूप साफ रखा कर, मैं उसमें निवास करता हूँ। तो मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरु जी बहुत कृपा करते हैं और बहुत ब्लेस करते हैं, हमारे कष्ट काट रहे हैं गुरु जी, हमें अच्छी ज़िंदगी दे रहे हैं। मैं अपना सॉरी गुरु जी, मैं मंत्र जाप नहीं बोल पाई। मैं अब अपना सत्संग विराम करते हुए मंत्र जाप बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझसे कोई भूल चूक हुई हो संगत जी, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, गुरु जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। तो संगत जी, ये आज मैंने आप सबके साथ 3-3 सत्संग शेयर करे हैं, और ये आए हैं देश के कोने कोने से, है ना। एक सत्संग आपके पास सहारनपुर से आया है, एक सत्संग आपके पास जिराकपुर से आया है, जिराकपुर शायद पंजाब में है मेरे ख्याल से, और एक सत्संग दिल्ली से आया है। तो गुरु जी की जैसी मर्जी होती है वैसा ही मैं करती हूँ, है ना।
गुरु जी के साथ एक टेलीपैथी चलती है, डायरेक्ट कनेक्शन। और आप भी बनाइए गुरु जी के साथ अपने डायरेक्ट कनेक्शन, है ना। आप देखेंगे कई लोग आपको नेगेटिव करने के लिए भी आ जाते हैं। कई लोग कहेंगे ये कुछ नहीं है, इससे क्या होता है, इसको क्या होता है। आप किसी की बातों को भी दिल पे मत लगाना और गुरु जी में अपना विश्वास बिल्कुल दृढ़ता के साथ बनाए रखना, चाहे कोई कितना ही नेगेटिव बोलता रहे, है ना। अब जैसे मेरे पास आज मेरे को जो जवाब दिया है मैंने संगत को, काफ़ी जो नई संगत है जो कंफ्यूज हो रही है उसको, उन सारी संगत को बहुत आराम पड़ा होगा मेरा सत्संग सुनने के बाद। क्योंकि जब हमारा दिमाग से स्ट्रेस खत्म होता है तो हमारे मन को आराम मिलता है, हमारी आत्मा को आराम मिलता है। क्योंकि जब कन्फ्यूज़न होता है ना, तो कन्फ्यूज़न से हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, परेशानी हो जाती है। हम सोचते रहते हैं किससे पूछे। तो मेरे पास जैसे जो सवाल आया मैंने आपके साथ उसका जवाब सबके साथ शेयर किया है ना, कि लोटा कैसे ब्लेस करना है। तो समझ में आ गया, जो मेरे को गुरुजी ने बुलवाया मैंने सबके साथ शेयर किया। आई थिंक जिन संगत जी ने मेरे से पूछा है, जब ये वो इस वीडियो को देखेंगे तो उनको समझ में आराम से आ जाएगा। और बाकी संगत जिनको नहीं पता है उनको भी सवाल का जवाब आसानी से मिल जाएगा। और एक क्वेश्चन मैं और ले लेती हूँ। एक दिन मेरे को, मैंने भोग लगाया था चावल का, और राजमा चावल मैंने उस दिन बनाए थे। तो किसी ने मुझको बोला, एक संगत जी ने, कि गुरुजी को आपने चावल का भोग लगाया, क्या राइस दे देते हैं? मैंने कहा हाँ जी, क्योंकि गुरुजी भगवान हैं, महाशिव हैं, नो डाउट। लेकिन आज की डेट में वो गुरुजी के साथ मेरा जो डायरेक्ट कनेक्शन हुआ है ना, वो ऐसा हुआ है कि बिल्कुल फैमिली मेंबर की तरह। मैं जो खाती हूँ वो मैं गुरुजी को भोग लगाती हूँ, है ना। तो अब अगर किसी की इच्छा नहीं है कि वो चावल का भोग नहीं लगाना चाहते, तो उनके ऊपर भी कोई प्रेशर नहीं है। वो जिस चीज़ का भोग लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। मैं तो अगर जैम ब्रेड भी खा रही हूँ ना, तो मैं गुरुजी को पहले वही समर्पित कर देती हूँ कि गुरुजी आज मैं जैम ब्रेड खा रही हूँ चाय के साथ। तो आप भी जैम ब्रेड खा लीजिए चाय के साथ, तो गुरुजी के साथ मतलब प्यार वाला कनेक्शन बन गया है। और बहुत ज़्यादा शुक्राना है कि सच में गुरुजी ने मेरी बाह पकड़ ली है, नहीं तो मैं भी बिल्कुल भटक रही थी। बहुत 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 भटकी हूँ मैं। किसी दिन बहुत डीपली मैं बताऊँगी अपनी कहानी भी, कि मैं किस किस फेस से निकल के यहाँ तक पहुँची हूँ। बहुत ही ज़्यादा लाइफ में सब कुछ अनुभव लिए, और जब गुरुजी ने मुझे पकड़ लिया तो बस वहाँ से मेरे जीवन में शांति आरंभ हुई है। तो बहुत ज़्यादा शुक्राना है, दिल से शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। गुरुजी ने मेरे बहुत सारे कष्ट समाप्त किए, काटे, और जो मेरे अनुभव हैं वो वास्तव में ऐसे हैं कि मतलब ऐसे ऐसे काम लाइफ में हुए हैं जो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। और गुरुजी ने बहुत स्मूथली करे हैं, गुरुजी नहीं करे हैं, करवाए तो मुझसे ही हैं। और ये नहीं कह सकती कि बिल्कुल हाँ कोई टेंशन ही नहीं हुई। तो कहते हैं ना, क्योंकि 90% गुरुजी काट देते हैं, 10% तो भुगतने ही होते हैं, और 10% भी वैसे होते हैं कि बस भुगतते नहीं जाते। लेकिन जब हम गुरुजी के शरण में आ गए हैं, गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ लिया है, तो रास्ता भी वही अपने आप दिखाते हैं, वो निकाल देते हैं रास्ता, है ना। कहीं से भी निकालेंगे पर वो निकाल लेंगे, रास्ता निकाल देते हैं। तो शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना है। जितना भी बोलूं उतना कम है। मैं गुरुजी की बेटी सुमन आंटी आप सबके सत्संग शेयर कर रही हूँ, वो सत्संग गुरुजी शेयर करवा रहे हैं, और ज़रूर वो इस सत्संग के माध्यम से भी किसी ना किसी संगत का जरूर कल्याण करेंगे। और आपसे निवेदन है कि सत्संग को आप भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में गुरुजी का शुक्राना जरूर कीजिएगा, जय गुरुजी लिख दीजिएगा। तो आज्ञा ले लेते हैं गुरुजी से, और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी पे विश्वास बनाए रखिए। परीक्षा तो लेते हैं गुरुजी, लेकिन फेल नहीं होने देते हैं, विश्वास रखिएगा। मुस्कुरा रहे हैं गुरुजी सच में। जय गुरुजी।